योगी आदित्यनाथ ने एक नहीं तीन अध्यादेश लेकर आए हैं। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि थोड़ी सी गड़बड़ी हुई तो जुर्माना 1 करोड़ देना पड़ेगा और जिंदगी भर जेल में रहना पड़ सकता है। सवाल यह है कि ये तीन ऑर्डिनेंस कौन कौन से हैं? इसमें ऐसा क्या है कि योगी यूपी को बदल देंगे? कैसे अब पेपर लीक नहीं होगा? महिला और बच्चों के खिलाफ जीरो क्राइम का टारगेट पूरा होगा? योगी ऐसी क्या सख्ती करने जा रहे हैं कि माफिया गुंडे मवाली अब खुद गले में तख्ती डालकर घूमेंगे? यूपी में अगले कुछ दिनों में क्या क्या होने जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में सीएम योगी का एक्शन शुरू हो चुका है। सीएम योगी ने टारगेट सेट कर लिया है। नकल माफिया, डॉन, क्रिमिनल गैंग और भूमाफिया, शराब माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का प्लान तैयार हो गया है। नकल माफियाओं का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक्शन के लिए कानून बन गया है। अब एक एक कर माफिया यूपी में मिट्टी में मिलने वाले हैं। यूपी में न तो अब पेपर लीक होगा, न ही महिलाएं और बच्चों के खिलाफ कोई अपराध होगा और न ही अवैध रूप से धर्मांतरण का धंधा चलेगा। सीएम योगी का आदेश आ गया है, एक्शन होने लगा है। यूपी से माफियाओं की सफाई के लिए तीन कानून बेहद अहम है। इनसे ही सीएम योगी उत्तर प्रदेश को बदलने वाले हैं। ये कानून कौन से हैं, किस कानून में क्या है और कैसे यूपी बदलने वाला है, सब आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि वो तीन कानून कौन से हैं। पहला, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024। दूसरा, उत्तर प्रदेश आपराधिक विधि संशोधन अध्यादेश 2024। और तीसरा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अध्यादेश 2024, उत्तर प्रदेश संशोधन। सबसे पहले बात नकल माफियाओं की। पूरे देश में नीट पेपर लीक को लेकर हंगामा मचा है। सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन सीएम योगी ने यूपी में पेपर लीक के उस लीकेज को ही बंद करने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। जहां से पेपर लीक होता है, जो पेपर लीक करता है, जो पेपर लीक करवाता है, जो लीक पेपर को खरीदता है, उसी पर सीएम योगी ने प्रहार किया है। योगी आदित्यनाथ यूपी में पेपर लीक और नकल माफियाओं के धंधे पर पूरी तरह से फुल स्टॉप लगाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिए हैं। और सीएम योगी उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 से ही नकल रोकेंगे और नकल माफियाओं की सफाई भी करेंगे। इस कानून के तहत पेपर लीक माफियाओं को 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। 1 करोड़ रुपए जुर्माना भी वसूला जाएगा। परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली संस्था और कर्मचारियों को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। आरोपियों की संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, विश्वविद्यालय प्राधिकरण या निकाय या उनके द्वारा नामित संस्था भी इसमें सम्मिलित है। उसमें किसी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं, नियमितीकरण या पदोन्नत वाली परीक्षाएं या डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्रों, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की प्रवेश परीक्षा पर भी लागू होगा। फर्जी प्रश्न पत्र बांटना, फर्जी सेवा योजन वेबसाइट बनाना इत्यादि दंडनीय अपराध बनाए गए हैं। अधिनियम प्रावधानों के उल्लंघन के लिए न्यूनतम 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास का दंड तथा 1 करोड़ रुपए तक के दंड का प्रावधान किया गया। यूपी के लिए नकल माफिया एक बड़ा मुद्दा है। नकल माफिया को मुद्दा चुनाव में भी बनाया गया था और योगी के विरोधी अभी भी इसे सियासी हथियार बना रहे हैं, योगी को टारगेट पर ले रहे हैं। इससे पहले नकल रोकने के लिए योगी ने यूपी में भर्ती परीक्षा के लिए नई नीति बनाई है, जिससे ना तो पेपर लीक होगा और ना ही माफियाओं को पेपर लीक करने का मौका मिलेगा। पेपर लीक कितना बड़ा मुद्दा है, पेपर लीक को लेकर सीएम योगी कितना एक्शन में है, ये उनका ट्वीट बता रहा है। नकल माफियाओं को सीएम योगी ने खुली चेतावनी दे दी है, यानी ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो योगी का बुलडोजर एक्शन बाकी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। विपक्षी दलों ने इसे चुनाव में बड़ा मुद्दा भी बनाया और इसका असर भी देखने को मिला। लेकिन अब यूपी में पेपर लीक नहीं होगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एग्जाम कराने वाली संस्था एजुटेस्ट को योगी सरकार पहले ही ब्लैकलिस्ट कर चुकी है। नए कानून में भी संस्था के साथ ही काम करने वाले कर्मचारियों को भी ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान है।
साथ ही पेपर लीक होने से हुए नुकसान की भरपाई भी उनकी संपत्ति कुर्क करके की जाएगी। केंद्रीय कानून में नकल माफियाओं के लिए 10 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन यूपी में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को आजीवन जेल में सड़ना पड़ेगा। जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रदेश सरकार काम कर रही है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर सारे निर्णय लिए जा रहे हैं, किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं होती है। जहां भी शिकवा शिकायत या कोई इस तरह की अनियमितताओं की खबरें आती हैं, सरकार तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करती है। 4 जून के बाद से ही सीएम योगी एक्शन में है। योगी का पूरा फोकस यूपी का विकास और लॉ एंड ऑर्डर पर है। यूपी बदलेगा तभी जब महिलाएं और बच्चों के खिलाफ अपराध पर लगाम लगेगा। सीएम योगी की ताकत ही सुशासन और कानून व्यवस्था, अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर है। और इसी की ताकत पर 2022 में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार न सिर्फ सीएम बने बल्कि 2017 के मुकाबले वोट शेयर भी बढ़ा। 2017 में बीजेपी को सिर्फ 39.7% वोट मिले थे, जो 2022 में बढ़कर 41.29% हो गया। यह मुमकिन हुआ सिर्फ योगी के सुशासन मॉडल के कारण। और लोकसभा का चुनाव खत्म होने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ प्रशासन को टाइट करने में जुटे हुए हैं। योगी के सीएम बनने के बाद महिलाएं और बच्चों के खिलाफ अपराध में न सिर्फ कमी आई है बल्कि अपराधियों को सजा दिलाने में भी तेजी आई है। एनसीआरबी के 2022 के आंकड़े के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले में सजा दिलाने में यूपी नंबर 1 है। यूपी में अपराधियों की सजा की दर 70.8% है तो देश में इसका एवरेज 25.3% है। लेकिन महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराध, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाओं पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए सीएम योगी अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अध्यादेश 2024 उत्तर प्रदेश संशोधन लेकर आए हैं। सिस्टम को योगी का ऑर्डर मिल चुका है। जितना तेज लखनऊ में योगी का एक्शन हो रहा है उतना ही तेज योगी का सिस्टम ग्राउंड पर रिएक्ट कर रहा है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले आरोपी अब बच नहीं पाएंगे क्योंकि सीएम योगी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में संशोधन कर दिया है। इस कानून में संशोधन कर कई बदलाव किए गए हैं। अब अपराधी अग्रिम जमानत नहीं ले पाएंगे। पॉक्सो अधिनियम बलात्कार से संबंधित धारा 64, 65, 66, 68, 69, 70 और 71 के तहत दर्ज केस में अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। गंभीर अपराध जिनमें मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान है उसमें भी आरोपी को अग्रिम जमानत अब नहीं मिलेगी। यूपी में इन अध्यादेशों के लागू होने के बाद पेपर लीक करने वालों के साथ साथ महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन होगा। रेप और पॉक्सो एक्ट के आरोपियों को अब अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। यही नहीं, ऐसे अपराध जिनमें उम्र कैद की सजा है उनके आरोपियों को भी जमानत नहीं मिलेगी। सरकार का कहना है कि इन कड़े कानूनों से अपराधियों में कानून का डर और बढ़ेगा। अभी ये योगी कैबिनेट ने ये दोनों अध्यादेश पास किए हैं, इसके बाद ये गवर्नर के पास जाएंगे और वहां से हरी झंडी मिलते ही ये यूपी में लागू हो जाएंगे। एक समय था जब यूपी में लोग रात 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन आज लोग कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं और ये सब पॉसिबल हुआ है योगी आदित्यनाथ के सुशासन से। कई केस स्टडी में सामने आया है कि अगर आरोपी रसूखदार हैं तो हत्या, बलात्कार और यौन उत्पीड़न जैसे केस में वो सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं। पीड़ित को डराया धमकाया जाता है, केस वापस लेने का दबाव बनाया जाता है जिसके कारण पीड़ित के साथ न्याय नहीं हो पाता है। लेकिन अब आरोपी ऐसा नहीं कर पाएंगे, या तो उन्हें यूपी छोड़ना पड़ेगा या फिर जेल जाना पड़ेगा। यूपी में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने के बाद अब आरोपी अग्रिम जमानत लेकर खुलेआम नहीं घूम पाएंगे। 2017 में सीएम बनते ही योगी आदित्यनाथ ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाकर बता दिया था कि यूपी में अब मंचलों की मनमानी नहीं चलेगी। अभी तक 19,000 से ज्यादा शोधों के खिलाफ एक्शन हो चुका है। छेड़खानी और यौन उत्पीड़न के 13,000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। यूपी में अब किसी स्कूल के बाहर मंचलों का मेला नहीं लगता है क्योंकि उन्हें पता है कि योगी की पुलिस छोड़ने वाली नहीं है।
दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान, लेकिन केंद्रीय कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का लाभ उठाकर आरोपी अग्रिम जमानत ले लेते थे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 482 के तहत आरोपियों को अग्रिम जमानत देने का प्रावधान है, लेकिन सीएम योगी ने उस रास्ते को भारतीय नागरिक सुरक्षा अध्यादेश 2024 उत्तर प्रदेश संशोधन के तहत बंद कर दिया है। अब आरोपियों को जेल जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। बीते 7 सालों में अपराधी माफियाओं पर एक तरफ योगी का बुलडोजर गरज रहा तो दूसरी तरफ यूपी पुलिस उन्हें दौड़ा दौड़ा कर ठोक रही है। गुंडे बदमाश और माफियाओं के साथ साथ शराब माफिया, ड्रग माफिया, रेत माफिया, भू माफिया और अवैध धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ हर फ्रंट पर एक्शन हो रहा है। यूपी में अवैध धर्मांतरण, नशीले पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज केस में अब आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। मतलब साफ है कि यूपी से माफियाओं को साफ करने और यूपी में सुशासन का राज बनाए रखने के लिए सीएम योगी मिशन मोड में जुट गए हैं। सीएम योगी ने अपने फैसलों से बता दिया है कि यूपी में गुंडा माफिया या मंचलों का राज नहीं बल्कि कानून का राज चलेगा, योगी का राज चलेगा।